ग्लिम्स ऑफ निराला। हम अपना फ्लैट चेंज कर रहे हैं 6 महीने बाद में। पहले मैं नोएडा में आया था, किसी को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। पहले हम रहते थे निराला एस्पायर में, और अब ये छोड़ रहे हैं कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। तो आगे हम बताएंगे कैसे कैसे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं फ्लैट पे, देख लो तुम भी सारे भाई। घर की हालत क्या कर दी, निंजा फाइट कर रहे थे क्या भाई? ऋतिक भाई घर की हालत ऐसी कैसी हो गई भाई? यार वो गुस्सा आ गया था, हम दोनों को लड़ाई कर दी, हमने तोड़ दिया पूरा घर। नरूटो चौधरी रचेज भाई, ये हमारा फ्लैट है। अब देखना हम कितना अच्छे से इसको बदलेंगे बस 15 दिन में। तो अभी जा रहे हैं हम, देखते हैं फ्लैट में। ये चोर पहले से इस फ्लैट में थे। राजीव जी भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई? तो गाइस ये हमारा नया आशियाना है, जो अभी तैयार नहीं हुआ क्योंकि काम चल रहा है। जैसे किसी को भी हालत अभी देख लेना, इस वॉशरूम की भी हालत देख लेना। ये है हमारा स्टूडियो, ठीक है? अभी इसकी हालत भी देख लेना, यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन है। अरे 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 खोलो, मूतने मत दो भेज चोर, ये मूत रहा है। तो बताओ कैसा है फ्लैट? अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद में देखना, जब तैयार हो जाएगा। इसी ब्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे, मेरी हालत ऐसी देखिए, कोई टेंशन में मत लेना। मुझे लू लग गया था जिस कारण मैं बीमार हूँ, दवाई खा रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। इस बारे में हमने फीमेल ऑडियंस के लिए भी काफ़ी कुछ करा है, जैसे कि ये किचन है, अगर कभी आए तो यूज कर सकती है। तो भाई शिफ्ट का तो पता नहीं कब होगा, लेकिन आज बुधवार था इसलिए। हाँ हमारा घर प्रवेश से ही होता है, सही नहीं आई देश के कट्टर हिंदू से हो गया। जिद्दी भाई आए यहाँ पे ये सब कुछ सही करने के लिए, लगाने के लिए। अर्बन क्लैश, मैं तो अर्बन जब तक ये घर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम रहेंगे वापस हमारे निराला में। इस सोसाइटी का नाम नहीं बता सकते क्योंकि ये सोसाइटी थोड़ी ज्यादा सेफ है। 30 तारीख गए और हमारे घर में गोल्ड रूम वगैरह लग रहे हैं। भैया आए हैं लगाने के लिए, ये वाले भैया, ये भैया सारी लगा दी, काम चल रहा है। अभी जब पूरा तैयार हो जाएगा तब आएंगे, अभी पूरा तैयार होने में वो टाइम लगेगा। घर की हालत देखो भाई, ये देखो ये हमारा कंटेंट है भाई। किचन भी तैयार भाई, अपना किचन भी तैयार हो रहा है और सारी चीज़ें हो जाएगी, साफ सफाई भी बाकी है। जल्दी हम इस घर में शिफ्ट होंगे तब हम अपनी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। आज शिफ्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन आज पिलो डाल के कब से कटा हूँ। ऋतिक भाई कर रहे हैं स्किट सूट, वो जो हमारे पारस भाई का सेकंड वीडियो वो आएगा। बाल वाल बिक रहे दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने विग पहना था। जब हम चेंज कर रहे होंगे ना तभी बताएंगे सारा सामान वगैरह। आज अब मैं अब नीचे जाऊंगा, मैं फ्री हो गया भाई। तो भाइयों का प्यार आगे बढ़ता हुआ और अब हम आज कर रहे हैं चेंजिंग, तो मूव कर रहे हैं उसके लिए सारा सामान वगैरह हो रहा। पैक घर की हालत देख लो भाई, सब कुछ पैक हो रहा भाई, सब कुछ पैक हो रहा भाई। राजीव भाई ने प्ले बटन पे कर दिए, खुद बेंच पैक हो गया अपने आप पे, वो क्या बोलते हैं टेप रहा आगे आगे भाई। तो आज शिफ्टिंग वाले दिन है, चेहरा देख के पता चल गया होगा कितना काम किया है। राजीव भाई भी हमारे साथ में, हम आ गए सीधा गोड सिटी में क्योंकि किचन का कुछ सामान खरीदना था। तो सोचा क्यों ना जल्दी से जाके वो खरीद ले आए, क्योंकि शिफ्टिंग वाले टाइम गाड़ी में साथ में ले जाएंगे। कौन हूँ मैं तुम्हारे, कौन हूँ क्या चाहिए तुम्हें? क्रोमो वालों को चोर ना लगे, हम बेंच ऐसे लगे कि चोरी करने आए हैं। बोल रहा था भैया इसमें 3 तो समा जाएगी, लेने आए हैं या चूल्हे हैं भाई? यार और तो करो क्या करो ना इन सब सामान के लिए, तो यार औरतें ध्यान रखती है, चूल्हे वाले वाला सामान तो महिला ही ध्यान रखेगी ना। अरे वीर भाई ये सब क्या खरीद रहे हो भाई? वो बीवी का बर्थडे आ रहा था तो उसको पूरा सेट किचन। अच्छा तो उसका किचन का पूरा सेट दे रहे हो? हाँ जी ठीक है भाई, बढ़िया भाई, फेमिनिस्ट। तो इसमें हमारा चकना वगैरह बनेगा, सही है, वेरी गुड। ये मुंह पे बांधते नहीं है, नहीं पता आपको? समझ के जो ज्यादा बोलेगा ले भाई, चुप। लड़कों के नहीं अच्छा अच्छा लड़कियों के, हाँ समझ गए ना। हाँ समझदार है भैया। मॉर्निंग के सुबह सुबह बज गए 7:30 को, तुम्हारा भाई उठ के अभी भी इसी कबाड़े, कबाड़ा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा सामान है। बाकी अभी दीदी आ जाएंगी जो कि किचन विचन का सामान सेट कर देगी। जी हाँ औरतों को पता रहता है किचन का काम कैसे होता है। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी ये ईयरफोन इसलिए लगा रखे थे क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, बताऊंगा नहीं किससे। गोलू ने अपना खाना ऑर्डर किया था सुबह सुबह उठते ही, क्योंकि उसको भूख लगती है। गोलू अरमान मलिक वाला नहीं है, ये गोलू हमारा है। हाय गोलू। हाय। तो एक्चुअली क्या नहीं, ये हरियाणा से आया है यहाँ पे खेती वेती करने के लिए। चलो आ गए, आ गए दीदी, आ गए। वेलकम वेलकम, आ गए भाई। सारी चीजें हो गई, लाइक शिफ्टिंग अपडेट दे देता हूँ चलता हो। शिफ्टिंग वाला काम चल रहा है, कपड़े अभी हमारे किसी ने नहीं रखे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे ऋतिक भाई कॉल नहीं उठा रहे।
राजीव ने राजू कितनी बार किया था गोल भाई? दो तीन बार गोल कर दिया हमने ऋतिक भाई को, लेकिन वो गोल नहीं उठा। कितनी बार ये चेहरा दिखाऊंगा तुम्हें इतना उदास? अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या हुई है कि दो जो स्टूडियो वाले वो होते ना स्विच, उनमें नहीं आ रही लाइट वो, और इसका जो मास्टर बेडरूम मतलब मेरा वाला जो वॉशरूम है उसका वो नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? प्लस। ठीक है, तो अब जा रहे हैं मेंटेनेंस में बकचोदी करने के लिए। मिलते हैं मेंटेनेंस में। लाइव अपडेट दे रहा हूँ गाइस, तुम लोगों को ये ऐसे देख रहे ये सोच रहा कि ये ब्लॉग भाई मैंने ना 20-30 ब्लॉग रिकॉर्ड कर रखे, इनको लगता है मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करूंगा, बट आई विल डेफिनेटली तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए भाई। अब देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, भाई इंसान है क्या ये। तो घर का छोटा सा अपडेट ये है, देखो अभी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा, किचन पूरा सेट हो गया, लेकिन अभी तक वो नहीं आई पाइपलाइन। बेड लग रहे हैं हमारे, ये वाला रूम में लग रहा है, और स्टूडियो की हालत अभी भी यही है भाई, जग सुना सुना लगे। काम तो करना ही नहीं इनको। वैसे मैंने वीडियो डाल दी है, तो अगला वीडियो आएगा तब देखूंगा। जिंदगी का छोटा सा अपडेट एक और है, खाने की तलाश में हम चले आए गोड़ सिटी, मैं और रीति भाई। अब वो पीछे कार खड़ी कर दी हमने पार्किंग में। अच्छा इधर से चलते, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस फ्लोर से जा रहे हैं। नहीं भाई खाना लेने जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें ना अभी यहाँ पे एक लड़की देखी भाई सच में उसने हमें देख के चैन छुपा ली। भाई देखो बताओ क्या है ना, बाल बाल बिखरे पड़े। उसको लगा मैं चोर हूँ। और ये मर्डर कर देगा। बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। ये तो हम बता रहे हैं बड़ा चटक कॉमेडी करने के लिए। ठीक है, एक तो मुझे यहाँ के फूड कोर्ट वालों का समझ में नहीं आता, सालों खाना बनाना नहीं आता, या बदबू मार नहीं आ रहा भाई, मतलब बड़ा बहुत ऐसा आ रहा कि धुआं वगैरह हो रहा था पीछे। ये है भाई गोड़ सिटी का, क्या है सागर रत्ना से खाएंगे भाई कुछ। कैसे बट हमने खाने के लिए क्या ऑर्डर किया? हमने की दो थाली, यहाँ आए थे थाली ऑर्डर करने के लिए भाई। ये है ना घर वाले देख लेने वीडियो वगैरह, तो उनको लगना चाहिए अच्छा खाना खा रहे हैं। क्या कितने का भैया? ये थोड़ा भाव तोल नहीं करते क्या? भाई अब ये है ना अमीरों के शौक यार। भाई देखो आज ना पेंगुइन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे समुद्रों में। भाइयों अभी ना हम आए हैं खाना लेके, ये देखो जितनी भैया ने लाया है भाई चुराया है। हाँ कहाँ सागर का क्या था सागर रत्ना लिया। भाई यार याद नहीं रहता ना कौन सी गाड़ी है, कभी थार कभी ओडी है। गुड मॉर्निंग भाइयों, देखो दो चीज़ें बतानी थी, अभी 7:30 बजे हैं और मैं अकेले उठा हूँ, मुझे सो रहा हूँ। और ये वाला ब्लॉग देखो, शिफ्टिंग हमारी 90% कंप्लीट हो गई, अब तो खाली बेड शीट्स लगाने हैं, पर्दे चेंज करने हैं, ये कालीन वगैरह मेन चीज़ है, और थोड़ी बहुत यहाँ पे और यहाँ पे सीलिंग में लाइट वाइट है। ये कि जो मेन काम था वो हो गया, हम खाने पीने वगैरह निकले आगे, और पीने से ज़्यादा अच्छा है। बट जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे, दूसरा ब्लॉग भी आएगा भाइयों, प्लीज सपोर्ट करना। सारे सो रहे, सच में सारे सो रहे, मैं अकेला जा रहा हूँ बाकी बच्चा।